यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि काफी सॉलिड है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन है। देखिए, स्टॉक मार्केट से अगर आपको अच्छा अर्निंग करना है, अच्छा वेल्थ बनाना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉक तब बाय करना चाहिए जब वो काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जब गिरावट होता है, तो गिरावट का वेट करिए। जिस दिन गिरावट हो मार्केट में, उस दिन आपको स्टॉक जो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है, और जब कोई स्टॉक भाग जाए, रैली कर जाए, तो आपको उस समय उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए बाय करने से, इन्वेस्टमेंट करने से। देखिए, ये स्टॉक जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है टाटा एलेक्सी, काफी बेहतरीन स्टॉक है। तो सबसे पहले हम स्टॉक के बिजनेस के बारे में जानेंगे, कंपनी बिजनेस क्या करती है। देखिए, अगर आप किसी कंपनी के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में ब्रीफ से जानना चाहते हैं, तो ये जो skinner.in है, ये स्मॉल विकिपीडिया का काम करता है। यहाँ पर कंपनी के बारे में संक्षेप में आपको सारी चीजें मिल जाएगा। देखिए, मैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को भी देखता हूँ, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी देखता हूँ, कंपनी की वेबसाइट को विजिट करता हूं। लेकिन अगर आपको छोटे समय में और संक्षेप में पढ़ना है कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए, टाटा एलेक्सी वर्ल्ड के लीडिंग प्रोवाइडर है डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस, उस कंपनियों में से एक कंपनी है। ये कंपनी जो है ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर को डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके बिजनेस के की पॉइंट्स की बात करें, तो देखिए, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, तो कंपनी जो है यूरोप से 36.5% का रेवेन्यू जनरेट करती है, अमेरिका से 36% का रेवेन्यू, इंडिया से 13% का, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है इसके बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में 14.5% का। साथ ही साथ कंपनी का जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, उसमें से एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन जो है 88% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन और विजुलाइजेशन जो 9% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देता है, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट जो 2% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देता है। अब बात करें रेवेन्यू बाय इंडस्ट्री, तो कंपनी जो है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन से 44% का रेवेन्यू जनरेट करती है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से 41% का रेवेन्यू जनरेट करती है, हेल्थ केयर एंड मीडिया डिवाइसेस से 10% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और अदर से 4% का रेवेन्यू जनरेट करती है। बात करें क्लाइंट कंसल्टेशन का, तो 39% जो एवरेज रूप से जो टॉप 5 है उसका क्लाइंट कंसल्टेशन है। मतलब कंपनी का जो यहाँ पर रेवेन्यू है 40% के आसपास टॉप 5 से आता है, तो मतलब कंसल्टेशन जो वो मॉडरेट है। मतलब ऐसा नहीं कि टॉप 5 ही 60% उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब कंपनी हाईली टॉप 5 पे डिपेंडेंट ऐसा नहीं है। तो क्लाइंट कंसल्टेशन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। ये ब्रीफ में था कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के जो डिफरेंट फंडामेंटल्स पैरामीटर्स हैं। देखिए, मार्केट कैप से हम जानते हैं कंपनी कितनी बड़ी है, तो 29,000 crore का मार्केट कैप है, जिसको हम जनरली लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। और बात करें करेंट प्राइस का, 4,722 rupees का करेंट प्राइस है, तो प्राइस भी काफ़ी हाई है स्टॉक का। डिविडेंड की बात करें 0.51% का है, डिविडेंड काफ़ी शानदार है, क्योंकि अभी सारे के सारे जो स्टॉक है ये काफ़ी रैली कर चुके हैं, तो जब स्टॉक इतना ज़्यादा रैली कर चुका है तो डिविडेंड आपको काफ़ी कम देखने मिलेगा। यही जब स्टॉक आप गिरावट में ले रहते, यहाँ से स्टॉक जो रैली किया है पिछले 1.5 साल में वो लगभग 10 times का रिटर्न दिया है, तो अब देखिए वहाँ पर तो डिविडेंड आपको 2% से भी अबव का देखने मिलता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, अब देखिए ये 15% से ऊपर हो तो हम बेटर मानते हैं, लेकिन इस सेक्टर की कंपनियों में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.9%, देखिए कितना ज़्यादा है, 30 के आसपास है, तो काफ़ी बेहतरीन है। फेस वैल्यू 10 का है, मतलब स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। अब बात करें पी का, तो स्टॉक का पी 71.3 का है, जबकि इंडस्ट्री की पी मात्र 27.5 का है, तो काफ़ी महंगे पी पे स्टॉक मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 44.5% का है, और कोई भी शेयर इसमें से प्लेज नहीं है। और बात करें डेट टू इक्विटी का 0.05, काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, मात्र 73.2 crore का, और रिजर्व कंपनी के पास 1,290 crore का, तो कंपनी इतना तो डेट आसानी से पे कर सकती है। साथ साथ नेट एनुअल प्रॉफिट 413 crore का, तो यहाँ नेट एनुअल प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का।
और कंपनी के एनालिसिस पे जाएं तो कंपनी में यहाँ देखिए स्टॉक जो है कौन सी बात करें मतलब जो निगेटिव बातें होती है, यहाँ बोल रहा है कि बुक वैल्यू से 21.75 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे स्टॉक आपको हाई बुक वैल्यू के मतलब बुक वैल्यू के कंपेरिजन में हाई प्राइस में ही आपको मिलेंगे, तो अच्छे स्टॉक है उसकी यही निशानी है। करा सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है, 11% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी डेट फ्री है, ये प्रोज में है मतलब जो पॉजिटिव बातें हैं तो बिल्कुल सही बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 3 ईयर्स में जो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30% का रहा है, काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट दिया है 50% का। अब बात करें कंपनी के जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है, तो यहाँ पर देखिए टॉप लाइन ग्रोथ मतलब जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 2010 में मात्र 376 करोड़ का था, जो कि बढ़कर के 2021 में हो गया 1826 करोड़ का। और वहीं पर बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें यहाँ मात्र 48 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर के हो गया 368 करोड़ का 2021 में। और अगर इसको आपको देखना हो यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए फॉर्म में मतलब जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है प्रॉफिट ग्रोथ है, तो देखिए 10 ईयर्स में जो सेल्स ग्रोथ रहा है 16% के CAGR से, प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 28% के CAGR से, और स्टॉक का प्राइस का जो CAGR है 48% का। तो इतना बेहतरीन मतलब रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर है उसके उसका जो रिटर्न दिया है कंपनी मतलब शेयर होल्डर के फंड पे 32% का, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अब बात करें बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 62 करोड़ का, रिजर्व है कंपनी के पास 1290 करोड़ का, जो कि लगातार बढ़ते चला गया है, और 2010 में मात्र 143 करोड़ का था, यहाँ से बढ़कर के कंपनी इतना ज़्यादा रिजर्व अपना क्रिएट कर चुका है। बात करें बोरोविंग का, तो कंपनी का जो बोरोविंग है मतलब जो डेट है वो मात्र 73 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। कैश फ्लो की बात करें कंपनी देखिए यहाँ पर कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव जनरेट किया अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मतलब बिजनेस एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट किया है, साथ साथ कैश फ्लो बढ़ता भी गया है। तो जब कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा हो तो काफ़ी बेहतरीन साइन है, साथ साथ कंपनी का नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है, कुछ समय निगेटिव भी रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो जो है नेट कैश फ्लो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ऐड करके तो कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। तो टोटल ऐड करके कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रेशियो देख सकते हैं, कंपनी अपना डेबिटर्स डे इम्प्रूव किया है, 116 से 80 पे ला चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर ये तो काफ़ी ज़बरदस्त है, इसका तो इस सेक्टर में आप बात ही नहीं कर सकते। इन्वेस्टर सेक्शन में जाएं तो कंपनी में प्रमोटर से स्टेक लगभग कांस्टेंट है, ऐसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप कंपनी काफ़ी भरोसेमंद है, हमेशा इन्वेस्टर को मालामाल किया है, तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। FIIs का स्टेक 11.81 और पिछले 2 साल में FIIs का स्टेक बढ़ा है, और FIIs का स्टेक भी एक तरह से प्रमोटर के स्टेक ले सकते क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल होता है। DIIs का स्टेक 5.77 का है, पब्लिक स्टेक अच्छा खासा है 37.89% का, ऐसे अच्छे शेयर में पब्लिक का स्टेक भी काफ़ी अच्छा खासा देखने मिल रहा है। अब बात करें इसके टेक्निकल चार्ट का, तो देखिए लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक का बात करें तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल रहा है। देखिए स्टॉक 20 रुपया से 4800 का जर्नी तय कर चुका, मतलब 5000 जा चुका है, मात्र 20 रुपीज़ का स्टॉक 20 साल पहले हुआ करता था। लेकिन अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो देखिए 1184 रुपये से जब स्टॉक गिरा था तो 480 रुपीज़ पर आ गया था, फिर वहां से स्टॉक 1450 रुपये तक गया, और वहां से फिर से स्टॉक गिरता है और लगभग 525 रुपीज़ तक गिर करके आ गया। देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट होती है इस स्टॉक में, और 500 से ये स्टॉक फिर से 5000 तक का जर्नी तय कर चुका है। अगर हम रिसेंट टाइम में बात करें तो यहां पर जो गिरावट होगा तो फिर से समझ सकते हैं 5000 से ये स्टॉक 2000 भी जा सकता है, या 5000 से ये स्टॉक फिर से 20000 भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म में कब बाय करते हैं, जब काफ़ी स्टॉक गिर चुका हो, जब स्टॉक काफ़ी गिरावट में हो उस समय हम बाय करते हैं। लेकिन अगर अभी बात करें अभी हम कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, तो अभी यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन में चल रहा है, देखिए ये अपर ट्रेंड लाइन है जो कि रेसिस्टेंस का काम करता है, और ये लोअर ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट का काम करता है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट पर बाय करेंगे, या अगर यहाँ पर नीचे ब्रेक करता है तो आप यहां पर वेट कर सकते हैं कि स्टॉक में कितना गिरावट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंट्री के लिए भी। कि स्टॉक अगर लोअर ट्रेंड में है तो हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, जब स्टॉक अपर ट्रेंड में होगा तब हमें इन्वेस्ट करना है।
तो बस इस नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वेट एंड वॉच कीजिए स्टॉक में कितना गिरावट होता है। तो जैसे गिरावट हो जाता है, बॉटम लाइन फिनिश करता है, उस समय हम स्टॉक को बाय करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो कब कौन सा स्टॉक बाय करना है इसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको हम बताते रहेंगे। और ऐसे ही एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।